हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमित मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बोर्ड एग्ज़ाम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है जब हम किसी के द्वारा कहे गए किसी कथन को, किसी के द्वारा कही गई किसी बात को ज्यों का त्यों प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है, वो पार्ट होता है जो किसी के द्वारा कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में प्रेजेंट करते हैं, अपने शब्दों में कहते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट क्या है और फिर इनडायरेक्ट क्या है। तो डायरेक्ट क्या है, जैसे ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ही सेड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, जिसमें रिपोर्टिंग ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, राइट, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये इसमें जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। तो इसमें ये क्या हुआ, इसमें कि ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ये किसी ने कहा था और हम इसको क्या कर रहे हैं, ज्यों का त्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अगर इसी को हम अपने शब्दों में कहें, ही सेड दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ये जो है, ये मैंने क्या किया, अपने शब्दों में क्या, तो यहां पर क्या कहा, ही के लिए मैंने ही लगाया, यहां पे ही के लिए आई नहीं लगाया, तो यहां पर ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम कुछ नियम जान लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए होता क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो टेंस होता है, टेंस चेंज नहीं किया जाता है। कब नहीं किया जाता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। एग्जांपल, जैसे शी शेज आई एम अ स्टूडेंट शी सेज आई एम अ स्टूडेंट। अब यहां पे क्या है, शी सेज आई एम अ स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में, रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर ये प्रेजेंट, इसमें जो एम लगा है, एम का हम वाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें क्या आ जाएगा, शी शेज That she is a student। अब है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, समझने वाली चीज़ है कि इसमें सिर्फ हमने प्रोनाउन चेंज किया है, हमने इसमें टेंस को चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में,
इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर की बात करें, अगर ये रिपोर्टिंग फॉर फ्यूचर में है तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। अगर हम ये कहें शी विल से आई एम अ स्टूडेंट, अगर हम ये कहें शी विल से, तो इसमें किस में हो गया, ये फ्यूचर में हो गया। अगर फ्यूचर में हो गया तब भी हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी विल से दैट, शी इज अ स्टूडेंट, शी विल से दैट शी इज अ स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हमने इसका टेंस नहीं चेंज किया। अब अगर ये फ्यूचर और प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में होने पर अगर से है तो से का से ही रखते हैं, अगर सेज है तो सेज ही रहता है, अगर से टू है तो ये हो जाता है टेल, और अगर सेज टू है तो ये हो जाता है टेल्स। याद रखिएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो से को से ही लिखेंगे, सेज है तो उसको सेज लिखेंगे, से टू चेंज हो जाता है जिसमें टेल हो जाता है, और सेज टू को टेल्स कर देते हैं, और इसके बाद में जब आप उसमें लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंज करते हैं तो इसको टू नहीं लिखा जाता है, फिर टू को हटा दिया जाता है, राइट, टू को हटा दिया जाएगा। नाउ होता क्या है कि देखिए, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स सेंटेंस होते हैं। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस, राइट। दूसरा टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ टाइप क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड फिफ्थ टाइप का होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं तो हम इनको अलग अलग तरीके से समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस को अलग तरीके से, इंट्रोगेटिव को अलग तरीके से, इंपरेटिव को अलग तरीके से, और इसमें कुछ रूल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस को। और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में याद रहे, असर्टिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, और एक होता है निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सेड अगर है तो सेड को सेड ही रखा जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। अगर सेड टू है तो इसको कर देते हैं टोल्ड, राइट। अगर सिर्फ सेड है तो सेड रखा जाएगा, अगर सेड टू है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड कर दिया जाएगा। सेकेंड चीज, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते समय हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, राइट। दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय दैट का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी सेड टू मी,
आई एम योर फ्रेंड, अगर हम ये एग्जाम्पल लें शी सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसमें देखने वाली क्या बात है, यहाँ पे क्या आया, सेड टू आया है। तो मैंने भी क्या बताया था, सेड टू अगर आता है तो किस में चेंज होता है, तो उसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, राइट। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, तो शी टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट का यूज कर देंगे, शी टोल्ड मी दैट, राइट। अब होता क्या है कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन को हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को चेंज कर देंगे, कौन बोल रहा है आई अपने लिए, शी अपने लिए आई बोल रही है, तो हम क्या करें उसके लिए बोलेंगे शी, राइट। देन एम किस में हो जाएगा, वाज माई फ्रेंड, माई फ्रेंड क्यों हो गया, माई फ्रेंड इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे उसने योर बोला था, किसके लिए बोला था, मेरे लिए योर बोला था। तो जब हम अपने लिए बोलेंगे तो योर नहीं बोलेंगे, अपने लिए क्या बोलेंगे, माई बोलेंगे। तो अब आपने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग क्लॉज में रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, सेड को सेड ही रखा जाता है, और सेड टू अगर है तो उसको टोल्ड कर दिया जाता है। देन इनवर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, यहाँ पे दैट का यूज़ करते हैं दोनों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। देन प्रोनाउन को चेंज किया जाता है, और टेंस को भी चेंज किया जाता है। आपने क्या सीखा, पहले आपने ये सीखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन अब हमने क्या देखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को के टेंस को हम चेंज करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे कि यहाँ पे से का क्या होता है, सेड होता है पास्ट, राइट, से का सेड पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेड टू लिखा है, तो पास्ट फॉर्म का यूज़ किया है। इसका मतलब है कि जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, पास्ट में है, तो हमें इसका टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या पे किया, एम की जगह पे क्या यूज़ किया, वाज का यूज़ किया, राइट। तो मैंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज किया है। क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है। तो दूसरा नियम क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज कर दिया जाता है, कॉमास को रिमूव किया जाता है, और दोनों सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो अभी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच को के टेंस को चेंज नहीं किया जाता है, अगर ये पास्ट फॉर्म में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है तो रिपोर्टेड स्पीच को के टेंस को चेंज कर दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो कन्फ्यूज किस में होते हैं, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं प्रोनाउन को चेंज करने में, प्रोनाउंस जो होते हैं वो उनको कैसे चेंज किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में। तो हम एक ट्रिक बताते हैं आपको किस तरीके से हम प्रोनाउंस को चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है समझने के लिए। देखिए क्या होता है, ए होता है सन, राइट, सन है। अब यहाँ पे क्या है, सन का मतलब है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज, राइट। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, कौन से, फर्स्ट पर्सन, तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अनुसार चेंज किए जाते हैं, वो चेंज किए जाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, वी, माई, आर, आई, वी, माई, आर, ये कौन से हैं, ये हैं फर्स्ट पर्सन, राइट। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये किस में देखा जाएगा, ये रिपोर्टिंग जो क्लॉज है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें देखा जाएगा सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में
ऑब्जेक्ट के अनुसार हमेशा सेकेंड पर्सन चेंज होता है, और ये सेकेंड पर्सन कौन से होते हैं, ये होते हैं यू, योर, योर्स, ये क्या है, ये है सेकेंड पर्सन, राइट। तो यू, योर, योर्स, ये किससे चेंज होते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, नो एन का मतलब है नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे हम थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, हिज, हिम, हर, इट्स, देम, देयर, दीज आर द थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन जो होते हैं कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं किए जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर मैंने जो देखा है, सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो ये प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। कभी हम, मैंने देखा कि गलत कर देते हैं अक्सर, वी का हम किसके अनुसार चेंज करें, आई को किसके अनुसार चेंज करें, यू किसके अनुसार चेंज करें। तो ये हमेशा बहुत ईजी होता है, हमेशा हमें देखना क्या है, रिपोर्टिंग जो वर्ब का पार्ट है उसको देखना है, और उसी के अनुसार हमको ये प्रोनाउंस चेंज कर देना है, राइट। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, होता क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे शी सेड टू मी, I shall help you, right? तो क्या है, she said to me, तो क्या है, she said to me, I shall help you. अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिया, दो प्रोनाउन ले लिया, राइट, सेकेंड पर्सन भी ले लिया है, फर्स्ट पर्सन भी ले लिया है। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। अब हमें ये देखना है, इसको हमें याद रखना है कि हमें किसके अनुसार चेंज करना है। देखिए आई, आई क्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और आई किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब हमें देखना क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉमास के बाहर होगा, ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा बाद में रखी हो, कई बार होता है रिपोर्टेड स्पीच पहले रखी होती है और रिपोर्टिंग जो क्लास है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है, वो पार्ट जो होता है वो बाद में रखा होता है। तो लेकिन इसे कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अभी हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे क्या होता है कि आई जो है, आई क्या होता है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, किसमें देखना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है उसमें देखना है। आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी टोल्ड, शी टोल्ड मी दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट। देखिए इनवर्टेड कॉमास के नीचे क्या हो जाएगा, दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे, क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। शी टोल्ड मी दैट, आई, आई किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, शी है, शी टोल्ड मी दैट शी। अब शैल को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वुड, शी वुड हेल्प। अब देखिए यू है, यू भी प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, यू सेकेंड पर्सन होता है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो किस में, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, शी वुड हेल्प मी। इनवर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो अब एक चीज़ और भी देख लेते हैं इसमें, अभी मैंने कहा था कि कई बार होता है जैसे आई शैल हेल्प, I shall help you. She said to me. तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है,
क्या कंफ्यूज नहीं होने कि ये पार्ट पहले रखा है ये पार्ट बाद में रखा है तो कैसे बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्ट को पहले बना दीजिए और इसको बाद में बना दीजिए। जैसे शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, अब इसको बना दीजिए क्या, शी वुड हेल्प मी, इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या कर रहे हैं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो किस तरीके से चेंज किए जाते हैं प्रोनाउन, कि जो सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा फर्स्ट जो पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं, जो सेकेंड पर्सन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं, और जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज ही नहीं किया जाता है। जैसे मोहन सेड दे आर मोहन सेड दे आर प्लेइंग क्रिकेट, अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने थर्ड पर्सन लिया, राइट। अब क्या कैसे बनेगा, तो सीधी सी बात है, मोहन सेड को सेड में ही बना दीजिए, इसको चेंज ही नहीं किया जाता है। फिर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, दैट लगा देंगे, और थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे देयर, क्या होता है, नो चेंज, नहीं चेंज किए जाते हैं। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउंस कैसे चेंज किए जाते हैं। हमेशा प्रोनाउंस चेंज करने के लिए आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को देखना होगा, जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं किए जाते हैं। तो इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे दूसरे चेंजेस होते हैं, कौन से रूल होते हैं जिसके अनुसार हम टेंस को चेंज कर देते हैं। तो टेंस चेंज करने के कौन से रूल हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीखना है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। देखिए, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट है टेंस इज चेंज इंटू पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, हमेशा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे अगर डू लगा है, डज लगा है, तो डू या डज किस में चेंज हो जाएगा, हमेशा डिड में चेंज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, राइट। डू या डज लगा हुआ है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इनडेफिनिट टेंस। सेकेंड क्या आता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, तो प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। और इसमें समझ लीजिए, अगर क्या है, प्रेजेंट में क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, और क्या लगता है, आर लगता है। अगर इज एम आर रिपोर्टेड स्पीच में है तो इसको हम चेंज कर देते हैं वाज या वर में, सीधी सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर यहाँ पे इज एम आर है तो उसको हम चेंज कर देते हैं वाज या वर में, राइट। नेक्स्ट क्या है, नोट करते जाइएगा आप लोग, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में।
किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज़ होती है, और क्या होता है? हैव होती है। अगर हैज़ हैव है तो हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड लगता है, राइट? तो हैज़ हैव को किस में चेंज कर देते हैं? हैड में चेंज कर देते हैं। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज किया जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है। तो हैज बीन है, हैव बीन है, तो हैज बीन या हैव बीन किस में चेंज हो जाएगी? हैज बीन आ रहा है सेंटेंस में या हैव बीन आ रहा है, तो हैज बीन या हैव बीन किस में चेंज होता है? हैड बीन में चेंज हो जाता है, राइट? तो ये कौन से हैं? ये प्रेजेंट के हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देंगे। अगर इज एम आर मीन्स अगर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हमें क्या करना होगा? इज एम आर को चेंज करके वाज वर्ब में करना होगा, और ये चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज हैव लगा हुआ है, तो हमें इनडायरेक्ट बनाते समय क्या याद रखना है कि हैज हैव हमेशा चेंज होता है हैड में, मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, मींस हैज बीन हैव बीन अगर दिया गया है तो हमेशा हैड बीन में चेंज कर दिया जाता है। तो ये सारे किस में थे? ये थे प्रेजेंट टेंस, राइट? अब प्रेजेंट टेंस के बाद में हम लोग लेते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस को कैसे चेंज किया जाता है? तो पास्ट टेंस में क्या है? सबसे पहले क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? अगर डिड दिया गया है निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में डिड दिया जाएगा। अगर डिड नॉट या डिड दिया गया है तो हमें किस में चेंज करना है? हैड नॉट या हैड में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है? अगर सेकेंड फॉर्म दी गई है तो हमें हैड लगा करके थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, राइट? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। देन क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो किस में हो जाएगी चेंज? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? वाज आता है, वर आता है। तो अगर वाज या वर दिया गया है तो वाज या वर किस में चेंज हो जाएगा? हैड बीन में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, राइट? वाज या वर अगर दिया गया है तो हमें किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, राइट? किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो अब क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, राइट? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। अगर हैड है तो हैड में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस
किस में चेंज होता है? नहीं चेंज होता है, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज अगर दिया गया है तो पास्ट, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। तो क्या देखा पास्ट टेंस में, क्या देखा आपने पास्ट टेंस में? आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों को ही चेंज नहीं किया जाता है, राइट? तो दोनों को चेंज नहीं किया जाता है। कुछ और भी इसके चेंजेस हैं। अभी देखो, पहले आपने प्रेजेंट टेंस देखा, प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो किस में चेंज की जाएगी? अब आपने देखा अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो उसको किस में चेंज किया जाएगा। अब कुछ नियम इसके रूल्स और हैं, उस पर भी एक बार हम लोग ध्यान दे लेते हैं कि कौन कौन से इसके अलावा में हो सकते हैं। इसके अलावा में होता है विल और शैल। किस में लगता है? विल या शैल, ये फ्यूचर में लगता है। और फ्यूचर में अगर लगता है तो विल को हम क्या कर देते हैं? वुड। और शैल को कर देते हैं शुड, राइट? अब देखिए, फ्यूचर इंडिपेंडेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब में विल शैल आता है। कुछ नहीं करना है, विल शैल को वुड या शुड में चेंज करके बाकी वैसे ही सेम कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फ्यूचर वाले जो फ्यूचर टेंस होते हैं उसमें विल शैल जो लगा होता है वो वुड या शुड में चेंज कर दिया जाता है। देन फिर क्या आता है? कैन आता है। कैन इज चेंज इनटू कुड। क्या होता है? कैन को कुड में चेंज कर दिया जाता है। मे अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो मे को चेंज कर देते हैं माइट में, मतलब प्रेजेंट को चेंज करते जाते हैं यहाँ पे पास्ट में। कैन को कुड, मे का माइट, राइट? तो ये शुड का शुड ही रहता है, शुड को ज़्यादातर हम चेंज नहीं करते हैं, राइट? तो कैन को चेंज कर देंगे, और फिर किस किस को चेंज कर देंगे? मे को चेंज कर देंगे, मस्ट का मस्ट रहता है, राइट? अगर हम मस्ट यहाँ पे हैं तो मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट को चेंज नहीं किया जाता है, राइट? तो ये कुछ थे जो टेंस कैसे चेंज किए जाते हैं, टेंस चेंज करने के नियम थे जो अभी आपने देखे हैं, राइट? इसके बाद में कुछ और भी चेंजेस होते हैं जो हमें करने होते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चेंज करने होते हैं। तो आगे का जो है जो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।